हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पुनः राजस्थानी शैली के उन प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हों, चाहे टीजीटी में पूछे गए हों, पीजीटी में पूछे गए हों, यूजीसी में पूछे गए हों, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी कहीं भी पूछे गए हों, तो सारे प्रश्नों को इंक्लूड करूंगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देख रहे हैं कि इस कड़ी में अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। हमारा पहला प्रश्न है, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए। आपके विकल्प में दिया गया है निहाल चंद, मौलाराम, मानकू और नयन सुख। जैसा कि आप विकल्प देख रहे हैं, विकल्प में निहाल चंद ये राजस्थानी शैली के चित्रकार हैं, बकिया तीनों पहाड़ी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं जसरोटा के राजा बलवंत सिंह। असल में जसरोटा जम्मू कश्मीर के, स्पेशली जम्मू में एक जसरोटा नाम की तहसील है, और इसी जसरोटा तहसील में एक पहाड़ी चित्रकला शैली विकसित हुई थी, जिसे हम लोग बसोहली शैली के नाम से जानते हैं। और बसोहली शैली जम्मू के जसरोटा तहसील में स्थापित होती है। यहाँ के शासकों के संरक्षण में जिस चित्रकला शैली का विकास हुआ, वह बसोहली शैली के नाम से जाना गया, या इसी को कहीं कहीं बसोहली शैली भी कह दिया जाता है। लेकिन निहाल चंद जो थे, यहाँ चित्रकारों की अगर हम बात करें तो निहाल चंद मारवाड़ या जोधपुर की एक उपशैली थी, किशनगढ़ शैली। तो ये निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, और किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष वहाँ के एक राजा सावंत सिंह थे, उन्हीं के दरबारी चित्रकार थे निहाल चंद। तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। मौलाराम ये गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं, जबकि नयन सुख हिमाचल प्रदेश के निचले एरिया, हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में एक चित्रकला शैली विकसित हुई थी, गुलेर शैली, जो पहाड़ी चित्रकला शैलियों में सबसे प्राचीन है, और इसी को ही पहाड़ी चित्रकला शैली की जननी कहा गया है। हालांकि जेसी फ्रेंच ने कहा है कि सबसे प्राचीन पहाड़ी चित्रकला शैलियों में बसोहली है, लेकिन उनका मत केवल उन्हीं तक सीमित है, बकिया सर्वमान्य रूप में माना गया है कि पहाड़ी चित्रकला शैलियों में सबसे प्राचीन गुलेर शैली है। और मानकू ये कांगड़ा शैली का चित्रकार है, जबकि जो शासक हैं वो बसोहली शैली के हैं। लेकिन चूंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये प्रश्न जो है नेट में पूछा गया है, 2019 UGC नेट, और इसमें इन्होंने माना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नेट की जो परीक्षाएं हो रही हैं, अब UGC उनके साल दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने नयन सुख को जो है माना है कि नयन सुख ने जो है राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है। दोस्तों, राजस्थानी शैली में अभी हम लोग चित्रकारी का माध्यम देखेंगे सामान्य रूप से। जो विकल्प दिया है, कपड़े पर टेम्पेरा, कैनवास पर एक्रेलिक और कैनवास पर तैल रंग, कागज पर पानी के रंग, यहाँ विकल्प आप देख रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक राजस्थानी चित्रकला शैली की बात है, राजस्थानी चित्रकला शैली में जो चित्र बने हुए हैं वो टेम्पेरा तकनीक से ही चित्रकारी हुई है, और यह
चम्पेरा कपड़े पर भी हुआ है और कागज़ पर भी हुआ, अधिकतर कागज़ पर हुआ है। हालांकि कपड़े पर भी चित्रकारी पूरे राजस्थानी शैली में हुई है, जोधपुर में भी कपड़े पर चित्र चित्रित किए गए हैं, आपके नाथद्वारा उपशैली में कपड़े पर ही चित्र चित्रित किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग जयपुर शैली देखें तो जयपुर शैली में भी जो है कुछ चित्र हैं जो कपड़े पर बनाए गए हैं। जैसे खास करके जयपुर शैली में दो चित्र हैं, शरद ऋतु का चित्र और ग्रीष्म ऋतु का चित्र, यह कपड़े पर बनाया गया है जो 6x3 फीट आकार के आदमकद चित्र हैं। तो इसमें टेम्पेरा केवल पहले विकल्प में ही है, तैल रंग का प्रयोग यहाँ पर हुआ नहीं था। एक्रिलिक रंग सबसे आधुनिक है, 1950 ईस्वी के बाद भारत में आया। और कागज़ पर पानी के रंग यानी सामान्य रूप से जो तकनीक है वो टेम्पेरा है, पानी के रंग ये भी विकल्प गलत है, तो इसलिए पहला विकल्प सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा चित्रकारी इनमें से किस लघु स्कूल से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र किस शैली में बना था, और अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ये विकल्प जो है जोधपुर, कोटा, मेवाड़ और बूंदी, तो जो भी हाड़ा राजपूत थे, हाड़ा राजपूत के संरक्षण में हड़ौत शैली विकसित होती है, और हड़ौत शैली के अंतर्गत जो उप शैलियाँ थीं वो था बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो इसमें से दो विकल्प तो स्पष्ट रूप से गलत हैं, बचता है बूंदी और कोटा। तो जो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा थे, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ये बूंदी शैली के शासक थे, और हड़ौत शैलियों में सबसे प्राचीन शैली जो है वो बूंदी शैली ही है। और बूंदी शैली के एक शासक थे छत्रसाल सिंह ने, उन्होंने माधव सिंह को कोटा का शासक नियुक्त किया था, और वह कोटा जहाँ पर कभी भीलों के नेता कोट्या शासन करते थे, उसी भूभाग को जो है छत्रसाल सिंह ने अपने भाई माधव सिंह को कोटा का शासक नियुक्त किया था। तो ये अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का जो चित्र है ये बूंदी शैली में बना हुआ है। अगर प्रश्न की व्याख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो आप कमेंट करके बताइए, हम व्याख्या कुछ कम करके जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन जहाँ तक व्याख्या की बात है, व्याख्या भी होना ज़रूरी है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। आपका विकल्प है जोधपुर, कोटा, मारवाड़ और जयपुर। तो दोस्तों यहाँ दो चीज़ें हैं, अगर प्रश्न पूछता है कि शिकार के दृश्य की चित्रकारी सबसे प्रसिद्ध कहाँ हुई, या सबसे ज़्यादा शिकार के दृश्य से संबंधित चित्र पूछे गए हैं, या कहाँ सबसे ज़्यादा शिकार के दृश्य चित्रित किए गए हैं, तो कोटा शैली को आप बरीता दीजिएगा। यहाँ पर शिकार के दृश्य से संबंधित खूब चित्र चित्रित किए गए हैं। आप लोगों को पीछे बताए भी थे कि कोटा शैली हड़ौत की एक उप शैली है, जिसके संस्थापक माधव सिंह थे, जो गुलेर के शासक छत्रसाल के छोटे भाई थे, और इस कोटा शैली का चरमोत्कर्ष राजा सावंत सिंह के समय में पहुंचा, अपने चरमोत्कर्ष पर सावंत सिंह के समय में पहुंचा। और यहाँ कोटा में शिकार के दृश्य चित्रित हैं। लेकिन अगर पूछता है कि पशुओं की लड़ाई से संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा किस शैली में बने, तो अगर पशुओं के शिकार की बात होगी तो पशुओं के शिकार से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र जयपुर शैली में बने हुए हैं। और जयपुर शैली में एक शासक थे चितेरा, लाल चितेरा, या कहीं कहीं उन्हीं को लाल भी कहा गया है। तो ये पशुओं की लड़ाई से संबंधित चित्र चित्रित करने में माहिर थे, और पशुओं की लड़ाई से संबंधित चित्र
जयपुर के एक शासक थे ईश्वरी सिंह, उन्हीं के समय में बनाए गए थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग जैसा भी हो कमेंट करिए कि प्रश्नों में बहुत ज़्यादा व्याख्या आपको चाहिए कि सीधे प्रश्न का उत्तर चाहिए, हम उस तरह से नए वीडियो को बनाएंगे। इस वीडियो में कुछ अति आवश्यक कार्य के कारण एक छोटा सा बना रहे हैं, आगे के वीडियो में और विस्तार से हम लोग वीडियो बना के देखेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।